नमस्कार दोस्तों, RST 1655 में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन है काफ़ी ज़्यादा खास, और आप लोगों को मेरा हाल हुलिया देखकर समझ में आ ही रहा होगा। आज होली का पावन पर्व, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ कि ये त्यौहार आप लोगों के लिए काफ़ी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारा रंग भरेगा। तो दोस्तों वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो वीडियो का आज का टॉपिक है दोस्तों, बहुत से मेरे दोस्त भाइयों के मन में संकोच रहता है कि फ्लोरिंग में टाइल यूज़ करें कि पत्थर यूज़ करें। तो मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे और मेरी अपनी पर्सनल राय के हिसाब से मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। और मैं किसी चीज़ को ख़राब या अच्छा भी नहीं बताऊंगा, मैं दोनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और अपनी दाना कलेजी वाली साइट पर घिसाई का काम हो चुका है दोस्तों पूरा, तो उसका भी मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है, तो देख लीजिए, आप लोगों को घिसाई का आइडिया हो जाएगा। और कुछ मेरे दोस्त भाई बोलेंगे कि हमें तो घिसाई के बारे में मालूम है, तो दोस्तों आप लोगों को लेकर मैं ये वीडियो नहीं बनाया है अकेले। कुछ मेरे दोस्त भाई हैं जिन लोगों को अभी भी घिसाई के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो उन दोस्त भाइयों के लिए मैंने ये घिसाई का वीडियो बनाया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में कि घिसाई करने का तरीका किस टाइप से होता है, तो घिसाई होते हुए तो आप लोगों ने देख ली। और अभी क्या है दोस्तों, ये दाना कलेजी जो हुआ ये मैक्सिमम लोग बाहर ही कराते हैं, तो बाहर के एरियों में क्या है, बारिश के समय पे या कभी अपन घर को वॉश करें या धोना हो उस एरिए को, तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर अपन इस पर पॉलिश कर दें तो इसी कारण बाहर के एरियों में जितना भी ये दाना कलेजी का काम होता है उसको थोड़ा सा रफली छोड़ा जाता है ताकि फिसलने के चांसेस कम से कम रहें। तो इसी कारण से अपन ने भी उसको थोड़ा सा रफ छोड़ दिया है ताकि किसी के गिरने की संभावनाएं कम से कम रहें। बाकी दाना काफ़ी अच्छा निकला है जैसे कि देखने में नज़र आ ही रहा है दोस्तों। अब अपन अपने आते हैं मेन टॉपिक पर कि भैया फ्लोरिंग में टाइल अच्छी है कि जो अपने नेचुरल स्टोन होते हैं वो अच्छे हैं। तो दोस्तों मैं पहले बात करता हूँ टाइल के बारे में। तो दोस्तों टाइल लगाना मतलब ये समझिए कि अगर 100 घर बन रहे हैं तो 100 में से 99 घर अब टाइल वाले हो गए। तो एक ये है कि मार्केट में टाइल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और हर हफ्ते कुछ नया डिज़ाइन आपको मिलेगा टाइल के अंदर। तो एक ये भी फ़ायदा रहता है कि नए नए डिज़ाइन मिलते रहते हैं। उसके बाद में टाइल को लगाना आसान है, टाइल जल्दी लग जाती है और थोड़ी लेबर कॉस्ट वगैरह कम आती है टाइल के अंदर में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टाइल के फ़ायदे हो गए। अब टाइल के नुकसान में क्या हो गया दोस्तों कि टाइल के नुकसान ये हैं कि मान लीजिए अगर आपके टाइल थोड़ा गंदा हो गया और आप उसको साफ़ करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। अगर आप केमिकल यूज़ करेंगे तो दाग धब्बे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो ये एक इसका माइनस पॉइंट है। उसके बाद में दोस्तों पत्थर या टाइल लगाते तो दोनों इंसान ही हैं, मशीनें तो लगाती नहीं हैं, तो पूरा परफेक्ट काम मतलब 100% जिसे कहते हैं वो तो पॉसिबल रहता नहीं, कहीं ना कहीं हल्के फुल्के जॉइंट इधर उधर होते हैं। तो बहुत से दोस्त लोग नाखुश रहते हैं इस चीज़ से, मगर ये कॉमन सी बात है, ये सभी के घरों में, आप महंगे से महंगे अपार्टमेंट में भी जाओगे तो टाइल के अंदर आप कई मिस्टेकें निकाल सकते हो, तो टाइल का कोई ज़्यादा बड़ा इशू रहता नहीं है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ ये जॉइंट्स के बाद में। और टाइल के अंदर में क्या है, काफ़ी सारे जॉइंट्स आते हैं, मतलब देखिएगा कि 2x2 की है या अभी 4x4 की आ गई है, तो टाइलें बड़ी तो हो रही हैं मगर उतने बड़े पीसेस में भी नहीं आ सकते जितने बड़े पीसेस में आपका नेचुरल स्टोन आता है। उसकी पूरी बड़ी बड़ी सिल्लियाँ की सिल्लियाँ आती हैं बड़े नेचुरल स्टोन की, तो एक जॉइंट्स का भी एक मतलब डिसएडवांटेज कह लीजिए कि टाइलों में रहता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों पत्थरों की।
तो पत्थरों में अपने को फायदे की बात करें अपन, तो फायदे ये रहते हैं कि उसमें एक तो जॉइंट्स कम आते हैं, ठीक है ना, और गैप प्रॉपर तरीके से फील हो जाते हैं, तो लीकेज वीकेज की समस्याएं भी शायद दूर हो जाती हैं। और जैसे मान लीजिए आपका स्टोन गंदा हो गया है, तब आपको करवानी है सफाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली घिसाई वाले को बुलाना है और उसको उतने हिस्से को घिसवा लीजिए या उतने पूरे रूम को घिसवा लीजिए, पूरा नया जैसा आपका, मतलब अजर अमर टाइप वाली चीज़ें होती हैं ये। मगर ये है कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेबर बहुत लगती है और समय भी काफ़ी ज़्यादा खाता है ये, मतलब लगाने की प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, लंबी होती है। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान की मैंने एक साथ में बात कर ली है, तो बस यही अंतर है टाइल में और स्टोन में। और भी कई चीज़ों का अंतर रहता है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि जो नेचुरल स्टोन है वो ठंडक देते हैं, तो जिन के घरों में एजेड लोग हैं जिनको ठंड से दूर रखने के लिए बोला है डॉक्टरों ने, तो वो लोग भी अवॉइड करते हैं नेचुरल स्टोन को घर में लगाने से, क्योंकि जो टाइल होती हैं टाइल की फ्लोरिंग में और नेचुरल स्टोन की फ्लोरिंग में, टेम्परेचर में मुझे भी लगता है कि हाँ थोड़ी सी ठंडक बनी रहती है नेचुरल स्टोन में, और टाइलों के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो ये दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को अंतर बता दिए। और रही बात मेरी कि मैं क्या, मेरे दिमाग में क्या है दोनों को लेकर, तो दोस्तों आंसर मेरा ये है कि मैं अगर मेरे लिए पर्सनली घर बनाऊँगा तो मैं तो दोस्तों नेचुरल स्टोन लगाना ही पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे नेचुरल स्टोन या नेचुरल चीज़ों से ही ज़्यादा लगाव है, तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि नेचुरल स्टोन ही लगाऊं मैं अपने घर में, बाकी आगे आपकी इच्छा। और टाइलों में भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं, मैं एकदम से टाइल को डिनाई नहीं करता कि नहीं टाइल लगाना बेकार है, टाइल लगाएं, मगर ये है कि वो रखरखाव और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है टाइलों के अंदर। तो बस यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, और गर्मी का मौसम आ गया है तो बाहर बर्तन में चिड़ियाओं के लिए पानी और दाना रखना ना भूलें दोस्तों, आप लोगों को बार बार मैं याद दिलाता रहूँगा ये गर्मी भर। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।